हैप्पी महाशिवरात्रि। स्वागत है गाइस आप सभी का महाशिवरात्रि स्पेशल वीडियो में। एंड भाई भोलेनाथ जी का जो है हमारा जो ज्योतिर्लिंग का सीरीज़ है उसमें आज हम देखने वाले हैं रामेश्वरम। यस आज हम देख रहे हैं रामेश्वरम गाइस, जो कि ज्योतिर्लिंग के मंदिर में से एक है। एंड ये देखो खूबसूरत जो काम है, जो नक्शी काम है, जो पिलर्स, जो ये एंट्री है भाई, ये पहले तो बता दूं कि ये रॉब्लॉक्स है और इसके अंदर ये बनाया है रॉकेट ने, काफ़ी अच्छा है। वैसे हमारा सातवां ज्योतिर्लिंग है जो हम देख रहे हैं जो ज्योतिर्लिंग की सीरीज़ में। और आप एंटर होते हैं ना तो लेफ्ट एंड राइट दो ऑप्शन है, तो आप कहीं से भी जाओ घूम के वहीं पर आओगे। ठीक है पूरा आजू बाजू, लेकिन मैं सीधा जा रहा हूँ। तो जैसे ही हम स्ट्रेट जाएंगे रामेश्वर महादेव के दर्शन करेंगे, उससे पहले यहाँ पे देखो और भी है, जो छोटे छोटे कुंड है वहाँ पे हमको स्नान करना है, ये पवित्र नदी के जल है। और यहाँ पे मंदिर भी है छोटे छोटे। तो यस, तो मैं ये बता रहा था ये है रामेश्वर महादेव, जो कि भगवान श्री राम के द्वारा स्थापित है। एंड जो रामेश्वर महादेव है ना, ये ज्योतिर्लिंग जो है 12 ज्योतिर्लिंग, मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग उसमें से एक है। और सबसे पहले तो एक बड़ा सा कुंड है इस तरफ, तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्नान करेंगे। और उसके बाद ना और भी कुंड है छोटे छोटे, वहाँ पे भी हम स्नान करेंगे। तो ये देखो यहाँ से ना हमको व्यू भी मिल रहा है बढ़िया वाला, गोपुरम दिख रहा है और मंदिर का शिखर दिख रहा है, काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। चलो तो स्नान तो हो गया, अब चलते हैं आगे दूसरे कुंड में जो हम स्नान करेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे मेन मंदिर में और दर्शन करेंगे श्री रामेश्वर महादेव के। ये जब राम सेतु बनाना था जब ओशन के ऊपर, तब भगवान श्री राम ने ना भोले बाबा की तपस्या की थी, इनकी पूजा की थी जो जो बीच है वहाँ पे। ठीक है रियल में समुद्र के किनारे आपने रामायण में देखा होगा, ये सुना होगा। तो ये है वो रामेश्वर महादेव। फिर यहाँ से ना हम लेफ्ट लेते तो ये देखो ये जो रास्ता है ये बहुत ही अच्छा, पहले तो मैंने डिज़ाइन ये जो है काफ़ी मैच्ड है, काफ़ी रियलिस्टिक है भाई। तो सबसे पहले तो ये बहुत अच्छा बनाया है। और यहाँ से हम सीधा ही जाएंगे, कहीं पे आपको टर्न लेना ही नहीं है, मतलब ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ से अब हमको टर्न लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है और दूसरे कुंड जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, जो पवित्र नदी के जल है। ठीक है यहाँ पे हमको करना है स्नान, उसके बाद ही हमको टेंपल में एंट्री मिलने वाली है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जाएंगे, उसमें करेंगे स्नान और फिर जाएंगे और जो है मंदिर के अंदर रामेश्वर महादेव के दर्शन और पूजा अर्चना के लिए। तो यहाँ पे जो है पहले कुंड में हमने स्नान कर लिया, ये दूसरा कुंड, यहाँ से भी हमको शिखर दर्शन हो रहा है, काफ़ी बढ़िया। और ये देखो काफ़ी अच्छा भी दिख रहा है भाई, मंदिर बहुत बड़ा है बाय द वे। किस किस लोगों ने विज़िट किया ज़रूर से बताओ कमेंट सेक्शन में, हर हर महादेव लिख देना भाई। और ये देखो तो यहाँ पे भी है बहुत सारे कुंड है, तो यहाँ पे आप जो है ये पवित्र नदी के जल से, आपको वैसे तो आज महाशिवरात्रि है और फास्ट करना चाहिए इस महाशिवरात्रि के दिन, तो आप में से किन किन लोगों ने फास्ट किया ये भी बताओ, फास्ट यानी उपवास। ठीक है ये देखो तो ये पवित्र नदी के जल है, तो यहाँ पे से भी बढ़िया व्यू मिल रहा है गाइस, हमको अच्छा व्यू मिल रहा है। चलिए अब चलते हैं गाइस मेन मंदिर की तरफ, जहाँ से ना हमको दर्शन होंगे रामेश्वर महादेव के, जो गर्भगृह है वहाँ पे भी जाऊँगा। और रियल में ना इसका जो है फ़ोटो मैं डाल दूँगा भाई, आप लोगों ने बहुत सारे फ़ोटो देखे होंगे लेकिन जो रियल पिक है वो है मेरे पास, क्योंकि ये जो रियल पिक है ये हमारे जो पूज्य गिरी बापू है, जो फेमस शिव कथाकार है। ठीक है शिव कथाकार थे, तो ये जब रामेश्वर गए थे ना तब उन्होंने वहाँ पे विनंती की थी, तो उनको ये तस्वीर जो है खींचने दी थी। तो ये जो है मैं यहाँ पे इसमें डाल रहा हूँ, तो आपको पता चलेगा ये रियल रामेश्वर की फ़ोटो है। मैं बताता हूँ जब गर्भगृह में हम दर्शन करेंगे गेम में, तब रियल फ़ोटो भी दिखाऊँगा। तो बाकी सारी फ़ोटो जो है वो फेक है, अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है। तो अब हम आ चुके हैं मेन मंदिर की तरफ, और ये देखो ये पिलर, सबसे पहले तो ये गोल्डन पिलर आपको दिख रहा होगा। ठीक है और ये पिलर है,
ऊपर यहाँ से ऊपर के भी दर्शन हो रहे अच्छे से। आगे नंदी जी भी है, जाएंगे मंदिर में भी जाएंगे, अंदर गर्भगृह में चलते हैं। चलिए अब नंदी महाराज है सबसे पहले, ये पिलर तो हमने देखा, उसके बाद ये जो है सामने नंदी जी। तो हम गए पहुँच चुके हैं गर्भगृह पे, एंड नंदी जी की भी एक परिक्रमा कर सकते हैं। फिर यहाँ से अगर हम दर्शन करते हैं, ये दीप माला है देखो पूरी, यहाँ पे दिए जो है दीपक जले हुए, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं होगा आपको, लाइट इन सेंस गर्भगृह में जो है एकदम जो है आपको दीप के बीच में ही दिखेंगे श्री रामेश्वर महादेव। और अंदर किसी को जाना अलाउड नहीं है, गर्भगृह में बहुत अंदर है, ठीक है, तो आपको बहुत ही दूर से ही दर्शन होंगे, क्योंकि वो जो स्ट्रक्चर है बहुत पुराना है, तो अंदर जाना भी अलाउड नहीं है। ये देखो ये है रियल श्री रामेश्वर महादेव, और इनकी यहाँ पे मैं ना मैं एक तस्वीर डाल देता हूँ गाइस, तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये रामेश्वर महादेव है, ठीक है। ये बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं हमको यहाँ पे, और दीप जले हुए चारों तरफ। और आज महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि पर भी एक अफवाह है, कई सारी जो है वो मैं बताता हूँ कि भाई शिव पार्वती जी के विवाह का दिन है। नहीं, शिव पार्वती जी के विवाह का दिन नहीं है, इस दिन पहली बार भगवान जो है जो महादेव जी वो शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे, और शिवलिंग पूजा का ये पहला दिन है, और सबसे पहली पूजा ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने की थी, जो शिवलिंग पूजा है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो आज वो दिन है कि जो शिव जी जो है वो निराकार ओंकार रूप में प्रकट हुए थे भाई, तो प्लीज़ जो है कीप इन माइंड कि शिवलिंग पूजा का ये दिन है, आज से शिव जी की पूजा जो है शिवलिंग की पूजा की जाती है, ज़रूर से शिवालय जाइए और पूजा कीजिए। और ये देखो यहाँ पे आप जल दुग्ध और भी जो चीज़ है उससे अभिषेक कर सकते हो, फूल चढ़ा सकते हो, धूप दीप वगैरह कर सकते हो, गेम के अंदर आरती कर सकते हो, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। एंड इस गेम का जो लिंक है मैं दे दूँगा इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, वहाँ से विज़िट कर लेना भाई। ये श्री रामेश्वर महादेव ऊपर देखो एक बढ़िया सा लोटस चढ़ा हुआ है, बेलपत्र भी है, काफ़ी बढ़िया ये मंदिर जो है बहुत अच्छा बनाया है, वेल डन। और हमारी सीरीज़ का ये सातवां ज्योतिर्लिंग है, आठवां ज्योतिर्लिंग है नागेश्वर, जो कि द्वारका पे है, देवभूमि द्वारका पे आया हुआ है, दारुका वन में, ठीक है। और ये देखो ये टॉप व्यू देखो, बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है टॉप व्यू, और एकदम समुद्र के तट पे ही है, यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है गाइस समुद्र, मंदिर के लेफ्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो है ओशन है, जहाँ से राम सेतु, वैसे यहाँ पे धनुषकोडी जो आप एकदम एंड है उस तरफ का, तो राम सेतु जो है वहाँ से आपको अभी तो खैर अवशेष जो है वो दिखेंगे, बट फिर भी है अंदर की तरफ, ठीक है। कितने साल हो गए गोपुरम, चारों द्वार है जो है, वेस्ट द्वार है, ईस्ट है, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। तो ये चारों जो है महाद्वार और ये मंदिर बीच में, और जो पिलर है भाई, पिलर की तो मैं जितनी तारीफ़ करूँ ना उतनी कम है, क्योंकि डिज़ाइन जो है बहुत ही अच्छा है और एकदम रियल की तरह डिज़ाइन किया है। इसको आप ध्यान से देखें तो ये देखो इसका जो नीचे का डिज़ाइन है, ऊपर का डिज़ाइन, कलर कॉम्बिनेशन, एवरीथिंग, ठीक है, इट्स अमेजिंग भाई। तो यस गाइस, डू लाइक एंड शेयर इज़ वेल, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हर हर महादेव लिखिए और बताइए कि यह कैसा लगा पूरा रामेश्वर का मंदिर, और हमारा ज्योतिर्लिंग का जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ रहा है, एंड शिखर दर्शन भी करवा देता हूँ। वैसे शिखर दर्शन किए मैं गोपुरम के ऊपर जो लगे ना उस शिखर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाले। तो यस गाइस, डू लाइक एंड शेयर इज़ वेल, और ज़रूर से बताना रामेश्वर महादेव, जो कि महाशिवरात्रि के दिन आज हमने देखा स्पेशल वीडियो, तो ये कैसा लगा ज़रूर से बताना गाइस इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है भाई। एंड ये देखो ये व्यू देखो ये कैसा लग रहा है ये भी बताना, काफ़ी अच्छा, मेरा फेवरेट व्यू है पूरे वीडियो का ये। तो यस गाइस, डू लाइक एंड शेयर इज वेल, मिलेंगे गाइस नए वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर हर महादेव, हैप्पी महाशिवरात्रि।